रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई। और सबसे बड़ी खुशी मेरा इस वीडियो को देने या डालने का मतलब यह है कि जो हमारे नए लड़के हैं, जो जितने टेक्निकल के हैं लोग, कुछ ना कुछ उनको जरूर जानकारी मिलेगी, बस मेरा यही ध्येय है। तो आज मैं जो आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, मेरे वीडियो को ध्यान से आप लोग देखेंगे और समझेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। आज मैं जो वीडियो में बताने जा रहा हूँ, वो पाइप की, बार बार हम बोलेंगे कि पाइप की ओडी, पाइप का आईडी, पाइप का थिकनेस, सारा कुछ इसी पर चलेगा। ओडी, थिकनेस, आईडी पे ही चलेगा, जो भी टेक्निकल रहता है सब इसी पे चलता है। तो आज हम यही आप लोगों को बताना चाहते हैं, ओडी क्या होता है, थिकनेस क्या होता है, आईडी कैसे निकलती है, ये पहले इसको निकालने कैसे निकलेगी ये देखिए। तो मेरे प्रिय दोस्तों, सबसे पहले हम ओडी कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई पाइप है, उसका हम ओडी कैसे मालूम करेंगे, इसका फार्मूला सबसे एक्चुअल क्या है। तो आईडी, आईडी का मतलब हो गया इनसाइड, ओडी का मतलब हो गया आउटसाइड डाया, आईडी का मतलब हो गया इनसाइड डाया। तो ओडी मालूम करने का सबसे बड़ी क्या फार्मूला है कि इनसाइड डाया प्लस टू टी थिकनेस, मतलब डबल थिकनेस बराबर ओडी। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ध्यान से मेरे बात को आप पेन और कॉपी पे नोट करके देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैं फार्मूला ओडी निकालने का क्या बोल रहा हूँ, आईडी प्लस टू टी मतलब डबल थिकनेस बराबर ओडी। एग्जाम्पल 42.5 आईडी है, प्लस 2.9 थिकनेस है, तो 2.9 इंटू टू यानी 5.8 थिकनेस हो गया। तो 42.5 प्लस 5.8 बराबर 48.3 ओडी हो गई। ठीक, अब आगे देखो आईडी निकालने का फार्मूला। आईडी निकालने का फार्मूला क्या बोलता है, आईडी निकालने का फार्मूला का मतलब इनसाइड डाया। निकालने का फार्मूला क्या बोलता है, आउटसाइड डाया माइनस टू टी डबल थिकनेस बराबर आईडी इनसाइड डाया। अब एग्जांपल देख लो, 48.3 आउटसाइड डाया हो गया, माइनस 2.9 थिकनेस, 2.9 इंटू टू बराबर हो गया 5.8। तो 48.3 माइनस 5.8 करेंगे तो ये हो गया 42.5, ये हमारी इनसाइड डाया होगा पाइप का। अब तीसरा फार्मूला क्या है, थिकनेस। थिकनेस कैसे मालूम करेंगे, तो आउटसाइड डाया माइनस इनसाइड डाया इक्वल टू जो आएगा उसमें दो का डिवाइड करेंगे बराबर थिकनेस हो जाएगा। आप एग्जाम्पल देख लो, जैसे 48.3 हमारी आउटसाइड डाया है, इनसाइड है 42.5। अब ये इसको माइनस करेंगे, 48.3 माइनस 42.5 ये बराबर हो गया 5.8 mm डिवाइड बाई टू यानी 2.9, जो आया वो हमारा 2.9, मतलब 2.9 का थिकनेस हो गया। मैं जो भी बताते जा रहा हूँ इसको आप लोग कॉपी पेपर से, पेन से आप लोग नोट करते जाए, एक डायरी बना लें, वो आप लोगों को आगे चल के बहुत सहूलत मिलेगी, फिर मेरी बात को आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज मैं आपको जो फार्मूला बताया, ओडी निकालने का, आईडी निकालने का, थिकनेस का, तो अब ये आप अपने कॉपी पे नोट कर लो। कल मैं फार्मूला क्या बताया था कि स्ट्रिप ब्रिथ निकालने का और स्ट्रिप ब्रिथ से ओडी निकालने का, तो ये सारे एक दूसरे से टैली करते जाएंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं इस वीडियो में अधिक से अधिक और जानकारी दूंगा, लेकिन अब अगली वीडियो सेकेंड पार्ट को देखने के लिए आप लोग, कल मैं फिर इसी टाइम आपको प्रेषित करूंगी अपनी अगली वीडियो नए फार्मूले के साथ। मेरे दोस्तों, मेरे इस चैनल यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब एवं लाइक करें। धन्यवाद।